नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। जहां दोस्तों मध्य प्रदेश उप चुनाव यानी 28 सीटों के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, और घोषणा पत्र जारी होने के बाद क्या है 28 सीटों के लिए सटीक विश्लेषण आपको दिखाएंगे। और 28 सीटों के लिए जो घोषणा पत्र जारी किया है, किन किन वादों के साथ कांग्रेस इन 28 सीटों पर उतरने वाली है, क्या होने वाला है, सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। क्योंकि 28 सीटों के लिए अलग से 28 घोषणा पत्र यहां पर जारी किए हैं, यानी सभी 28 सीटों के लिए अलग अलग घोषणा पत्र यहां पर कांग्रेस ने जारी किए हैं। लेकिन इन 28 सीटों में से किन किन यहां पर मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जा रही है, और इसके अलावा क्या दल बदल को लेकर कांग्रेस यहां पर जो लगातार हमलावर रही है, उस पर क्या है जनता की राय, और 28 सीटों पर जो घोषणा पत्र जारी किया है, इन 28 सीटों में कौन कौन से वादे कांग्रेस ने 28 सीटों के लिए किए हैं, क्या जनता उनको यहां पर एक बार फिर से 2018 की तरह बहुमत दे पाएगी या पर नहीं। इसके अलावा घोषणा पत्र में सबसे पहले अगर बात करें तो 100 रुपए 100 यूनिट बिजली देने का वादा यहां पर कमलनाथ सरकार 28 सीट 28 वचन पत्र में कर रहे हैं। इसके अलावा कोरोना संक्रमण को राजकीय आपदा घोषित करने का ऐलान भी यहां पर करेंगे। इसके अलावा कई और बड़ी घोषणाओं को शामिल किया है। जहां दोस्तों कोरोना से मौत होने पर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा यहां पर कमलनाथ सरकार करते हैं। अगर कमलनाथ सरकार यानी कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में वापसी करती है, तो फिर कहीं ना कहीं कोरोना से होने वाली मौत पर परिवार के एक सदस्य को यहां पर नौकरी देने का यहां पर वचन दिया है। कोरोना से मौत होने पर परिवार को मिलने वाली सहायता भी राशि यहां पर कमलनाथ सरकार अपने वचन पत्र में रख रहे हैं। इसके अलावा फुटकर व्यापारी को 50,000 रुपए तक बिना ब्याज कर्ज देने का यहां पर वचन दे रहा है 28 सीटों के लिए, जो कमलनाथ सरकार के 28 वचन पत्र में शामिल है। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर गोधन सेवा योजना शुरू करने की बात यहां पर कर रहे हैं। गौशालाओं को आर्थिक रूप से बनाया जाएगा मजबूत, इसके लिए अलग से यहां पर कई योजनाओं पर काम करेगी कमलनाथ सरकार। कर्मचारियों को बकाया डीए और वेतन वृद्धि देने का वादा कर रही। इसके अलावा किसानों को कर्ज माफी का भी वादा है। इसके अलावा कई और यहां पर कह सकते हैं कि उनके वचन पत्र में कई बड़े वादे हैं। अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की बात भी यहां पर 28 सीट 28 वचन पत्र में शामिल है। इसके अलावा कई बड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस जो है इन 28 सीटों पर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, और 28 सीटों पर जनता का मन क्या है, इस पर आपको सटीक जानकारी इससे पहले के वीडियो में भी दे चुके हैं, और आने वाले समय में भी कुछ और आपको 28 सीटों के लिए अलग से एक नया वीडियो भी देने वाले हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या लोकसभा चुनाव 2019 में तो बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन विधानसभा चुनाव 2018 में बीजेपी को जमकर नुकसान हुआ था, क्या होने वाला है मध्य प्रदेश के लिए 28 सीटों पर 28 वचन पत्र के आधार पर, क्या कांग्रेस की सरकार वापसी करने वाली है या फिर बरकरार रहेगी बीजेपी, इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। क्योंकि बीजेपी ने तो यहां पर तंज कस दिया है कि कांग्रेस ने 2018 में किए गए वादों को पूरा ना किया, इस कारण से जो है कई बड़े नेता उनसे नाराज हुए, उस कारण से पार्टी छोड़ अब वो बीजेपी में आ चुके हैं, और मध्य प्रदेश बीजेपी सरकार जो है अच्छा काम मध्य प्रदेश के लिए कर रही है, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आने वाली सटीक महत्वपूर्ण जानकारी के लिए भी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जय भारत।